कांच का सर्विस सेंटर। क्या इसकी रेंज क्या? ये 1,25,000 की। हाँ कितना सीसी है? 160। कितना टाइम हो गया लिया आपको इसको? 9 जुलाई को ली थी। 9 जुलाई को? हाँ। तो फिर ठीक चल रही? एकदम बढ़िया। पिछले भी मैं हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे होगे मेरे बाइक के 2900 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। 3000 पे सेकंड सर्विस होगी, तो सेकंड सर्विस कराने के लिए आज मैं वही जा रहा हूँ जहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है, सोनीपत सिदक मोटर्स। तो वहाँ पे जाके आज हम अब सर्विस कराएंगे और आपको बताते हैं कि सेकंड सर्विस की जो कॉस्ट है वो कितनी आई है। तो चलो चलते हैं सिदक मोटर्स सोनीपत और मैं आपको बताता हूँ कि जो सेकंड सर्विस है उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो चलो अब चलते हैं। मेरी बाइक ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर चल चुकी है। तो अगर मैं आपके साथ 3000 किलोमीटर का जो अपना लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है बाइक के साथ, अगर मैं आपको वो बताता हूँ, तो देखो मैं ये छोटी सी जर्नी बताता हूँ जहाँ से मैंने ये बाइक ली, अपना चैनल बनाया, वो मोनेटाइज हुआ। तो बात है 9 जुलाई की। 8 जुलाई तक मैंने दिल्ली के सभी शोरूम में फ़ोन कर लिया था बाइक के लिए, दिल्ली, गुड़गांव, रेवाड़ी, भादरगढ़, पर बाइक कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी। फिर 8 की रात को मैंने सोनीपत के शोरूम में फ़ोन किया, क्योंकि मेरे को बाइक ना सबसे पहले लेनी थी और सोनीपत मेरे घर से कम 80 किलोमीटर दूर है। तो 80 किलोमीटर दूर है तो भाई बाइक तो मेरे को सबसे पहले नंबर पर लेनी थी। तो मैं आ गया सोनीपत बाइक लेने। तो 9 जुलाई को मैंने ये बाइक ली। बाइक की मैंने ऐसी मजाक में एक वीडियो बनाई और अपलोड कर दी। उस पर मेरे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और फिर वहाँ से मेरे को लोगों के कमेंट्स मिले गए कि भाई आप इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाओ, आप माइलेज टेस्ट करो, आप स्पीड टेस्ट करो। मेरे को कोई आइडिया नहीं था, पर मैंने आप सबकी बात मानी और अपने चैनल पर काम किया। तो एक वीक के अंदर ही ये बाइक मेरे लिए इतनी लकी निकली कि मैंने अपना चैनल मोनेटाइज करा लिया। तो आप, मैं बोल सकता हूँ कि ये बाइक मेरे लिए ना काफ़ी लकी रही है कि भाई एक वीक के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। उसके बाद बाइक के ना जहाँ पे भी जाता काफ़ी लोग तारीफ करते, रुक रुक कर बाइक को देखते, क्योंकि नई बाइक थी, मार्केट में थी भी नहीं। तो उससे मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिला, सब मतलब बाइक की तारीफ़ कर रहे थे और कुछ लोगों ने इतनी तारीफ़ कर दी कि बाइक को नज़र लग गई और मेरी बाइक ख़राब हो गई। तो उसकी वीडियो भी मैंने बनाई है, वो वीडियो आप आई बटन पर देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उसके बाद 500 किलोमीटर होने के बाद मैंने बाइक की फ़र्स्ट सर्विस करवाई, जिसकी कॉस्ट निकली है 420 रुपये। 360 में ऑयल चेंज हुआ था और 60 रुपये में टायर्स में हवा भरी थी। तो ऐसे 420 रुपये लगे और मेरी बाइक की फ़र्स्ट सर्विस होगी। उसके बाद से लेके अब तक इस बाइक में मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, बस पेट्रोल भरवाता हूँ और निकल जाता हूँ। 50 से 55 की माइलेज है, तो माइलेज भी काफ़ी अच्छी है, हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। आप कहीं पर भी ब्रेक मारोगे, कैसे भी टर्न ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो मेरी धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट रही, आप लोगों का सपोर्ट रहा। तो आज इस बाइक के ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं इसकी सर्विस करवाने वहीं पे आया हूँ जहाँ से ये बाइक मैंने ली थी। और यहाँ पे कुछ इसकी एसेसरीज वगैरह भी अवेलेबल हो गई है। करते करते हम शोरूम पे आ गए हैं
तो यही है वो शोरूम जो मेरे लिए लकी हुआ और जो ये बाइक मेरे लिए लकी हुई। तो अब मैं सेकंड सर्विस करवा लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि सेकंड सर्विस की क्या कॉस्ट आई है। कहाँ इसका सर्विस सेंटर? पूछे एक बार, ये सर्विस सेंटर कौन सा इसका? सर्विस सेंटर कौन सा इसका पूछ। किस रेंज की है? क्या इसकी रेंज क्या है? ये सवा लाख की। हाँ, कितना सीसी है? 160। कितना टाइम हो गया आपको इसको? 9 जुलाई को ली थी। 9 जुलाई को? हाँ। तो फिर ठीक चल रही? एकदम बढ़िया। पीछे ले रही हूँ तो फाइनली हमारी सेकंड सर्विस कंप्लीट हो गई है, जिसकी कॉस्ट आई है वो आई है 397 रुपये, 397। और जो फर्स्ट सर्विस की कॉस्ट थी वो थी 420 रुपये। तो आप देखोगे कि काफ़ी सस्ती सर्विस है 160 सीसी की बाइक्स में, किसी में भी इतनी सस्ती सर्विस आपको नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर किसी ने हमारी एक्सट्रीम की एक्सट्रीम एडवेंचर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे जाके वहाँ पे हमारी एक्सट्रीम की एक्सट्रीम एडवेंचर वाली वीडियो देख सकता है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।